डीआरडीओ सेप्टम टायर वन का जो सेकंड शिफ्ट में इवनिंग में पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो वो जो पेपर था डीआरडीओ टायर वन का इवनिंग शिफ्ट का, वो काफ़ी इजी पेपर था और इसका लेवल हम इजी से मॉडरेट तक बोल सकते हैं। तो इस पेपर में अगर आपके 120 के नियर स्कोर बन रहे हैं या 120 के अबव स्कोर बन रहे हैं तो आप सेफ साइड में हैं टायर टू के लिए। तो अब इस पेपर की एनालिसिस शुरू करते हैं फ्रॉम जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं ये हम इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद जर्नल साइंस से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं और उसके बाद जर्नल एप्टीट्यूड एंड जर्नल रीजनिंग के बारे में, जर्नल इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट इज जर्नल अवेयरनेस। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, दैट इज तो फर्स्ट इज ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज डर्बन साउथ अफ्रीका। देन नेक्स्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में पूछा गया था। चार्टर एक्ट ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर एक्ट ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। देन नेक्स्ट एक्ट ऑफ इंडिया इन 1773 इज रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है तब बना था। देन अर्जुना अवार्ड विनर्स। तो अर्जुना अवार्ड विनर्स पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अबाउट मिलेक्स 2018, दिस इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन बिम्स्टेक कंट्रीज हेल्ड एट पुणे। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। मिलेक्स 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में पुणे में हुई थी। देन नेक्स्ट कंट्री पार्टिसिपेटेड इन मैत्री 2018। तो मैत्री 2018 में किन किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज इंडिया एंड थाईलैंड। एशियन गेम्स 2018 फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट मेडल विनर फ्रॉम इंडिया कौन था। एशियन गेम्स में 2018 में गोल्ड मेडल फर्स्ट किसने जीता था इंडिया के प्लेयर ने, तो दैट इज बजरंग पूनिया। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाय विच कंट्री। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किस कंट्री द्वारा जो छोड़ा गया था, दैट इज सोवियत यूनियन, जो कि रशिया से रिलेटेड है। और इसका ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक वन। वट इज निशांत बाय डीआरडीओ। निशांत का मीनिंग क्या है बाय डीआरडीओ, दैट इज अनमैंड एरियल व्हीकल। दिस इज द अनमैंड एरियल व्हीकल। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एलजीबीटी सेक्शन 377, ये किससे, किस डेट से रिलेटेड है, 6 सितंबर 2018। इसके बाद हम इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू। रेनबो की फॉर्मेशन का कारण क्या है, दैट इज डिस्पर्शन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। तो इसका मेन जो रीजन है वो डिस्पर्शन है। मिरर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल की हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है, दैट इज कनकेव मिरर। तो व्हीकल्स में जो पीछे वाला रियर व्यू के लिए जो कौन सा मिरर यूज होता है, दैट इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर यूज होता है व्हीकल की हेडलाइट्स में। हु टोल्ड दैट प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये किसने कहा था कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दैट इज न्यूक्लियस कोपरनिकस। कोपरनिकस। टिंडल इफेक्ट फिनोमिनन। टिंडल इफेक्ट फिनोमिनन का कारण क्या है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज ब्लैक वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ब्लैक वायर क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट इज पावर। पावर को रिप्रेजेंट करती है। कैल्शियम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पहले हम एटॉमिक नंबर उसका बताते हैं, दैट इज 20 उसका एटॉमिक नंबर है। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इन सर्किट करंट रिमेंस कॉन्स्टेंट, इन विच टाइप ऑफ सर्किट करंट रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो हम अगर रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरलर में कनेक्ट करते हैं तो उसमें वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहेगी। तो पैरलर सर्किट के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वोल्टेज किस में सेम रहती है, तो वो पैरलर सर्किट में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस, दैट इज हाइग्रोमीटर। व्हाई एथलीट रन बिफोर जंप, जो एथलीट है वो जंप लगाने के पहले रन क्यों करके आता है, तो अपना इनर्शिया गेन करने के लिए, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, टू गेट इनर्शिया ऑफ मोशन। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी की यूनिट्स जाउल्स होते हैं, तो जाउल इज इट्स आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलियस सैटेलाइट, तो ओलियस सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ की ऑब्जर्वेशन में ये काम आता है। बोन्स आर मेड ऑफ, बोन्स किस मटीरियल से बनी होती है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो हमें पता है कि जिस भी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, तो ब्लू कलर स्काई का जो स्कैटरिंग की वजह से होता है, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन ब्लैक कलर ऑफ स्पेस, ब्लैक कलर ऑफ स्पेस इज ड्यू टू दी वैक्यूम, बिकॉज इन वैक्यूम नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस, फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस इज मॉडिफाइंग सॉर्टिंग पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सक्रीशन, मॉडिफाइंग सॉर्टिंग पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सक्रीशन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ ट्री किस मटीरियल से बनी होती है, दैट किससे बनी होती है, नोड्स एंड इंटरनोड्स से, नोड्स एंड इंटरनोड्स से। नेम ऑफ मेल सेक्स हारमोन्स इज टेस्टोस्टीरोन, मेल सेक्स हारमोन्स कौन से हैं, टेस्टोस्टीरोन। वाई टेस्टिस लाइज आउटसाइड द बॉडी, जो टेस्टिस हैं मेल्स में वो आउटसाइड द बॉडी क्यों होते हैं, फॉर लोअर टेम्परेचर दैन बॉडी, टेम्परेचर लोअर होने की वजह से ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं। अटोमिक मास ऑफ वाटर, सॉरी द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द H2O, O का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, H का 1 है, और उसकी जो 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं इसमें वाटर में, तो 2 + 16 = 18, इस आंसर इज 18। साइंटिफिक नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, अगर बेकिंग सोडा का ये साइंटिफिक नेम पूछा होता तो दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स, एल्कीन्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज CnH2n, CnH2n। अगर एल्केन्स के बारे में पूछा होता तो दैट इज CnH2n+2 होता, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एल्कीन्स में वन डबल बॉन्ड आ जाता है, और एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के बारे में पूछा गया था, तो आइसोटोप्स किनको बोलते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं H11, H12, सो ऑन। आइसोबार्स के बारे में अगर पूछा जाए तो देन उनका सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स बनते हैं, बट आइसोबार्स में एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं और उसमें मास नंबर सेम रहता है। देन नेक्स्ट, इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे कि पैराग्राफ्स में पैसेज में से क्वेश्चन निकालने के लिए 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इस पेपर में पिछले पेपर की तरह ही पूछे गए हैं। वो कैब में से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके बाद ग्रामर में से 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड देन वॉयस से 2 क्वेश्चंस, एरर से 3 क्वेश्चंस, एंड सेंटेंस में पजल, सेंटेंस पजल पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट, एप्टीट्यूड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम वर्क, चार्ट कैलकुलेशंस, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज डिस्काउंट, एजेस, मिक्सचर्स एंड एवरेज, क्रिकेट स्कोर एवरेज, तो इसके रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं।
तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं वो है वेन डायग्राम, 3 to 4 क्वेश्चंस, एनालॉगी, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, कैलेंडर्स एंड पजल्स में से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।